गाइस, बॉलीवुड फिल्मों के बॉयकॉट कल्चर को खत्म करने के लिए और लोगों को सिनेमा घरों में वापस लाने के लिए MAI यानी कि मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ा प्लान तैयार किया था। MIA पूरे इंडिया में 16 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट करने जा रहा था ताकि एक बार फिर से लोगों को सिनेमा घरों में वापस लाया जा सके। और इसीलिए MAI ने 16 सितंबर को अपने पहले नेशनल सिनेमा डे पर सारे सिनेमा घरों में सभी फिल्मों की टिकट प्राइस को मात्र 75 रुपए कर दिया था। अब जैसे ही ये बात लोगों को पता चली तो लोगों ने तुरंत ही इन टिकट्स की प्री बुकिंग शुरू कर दी और आज का इंतजार करने लगे। लेकिन इसी बीच रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र ने MAI का पूरा प्लान ही चौपट कर दिया, जिसे देखते हुए MAI को नेशनल सिनेमा डे की तारीख बदलकर 23 सितंबर करनी पड़ी ताकि ब्रह्मास्त्र को टिकट के कम प्राइस के चलते नुकसान ना हो सके। वैसे गाइस, आपके हिसाब से MAI का ये कम प्राइस में टिकट देने वाला प्लान लोगों को सिनेमा घरों तक खींच पाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।